For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. नागिन 3 को लेकर इन दिनों दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। हर कोई इस सीरियल को देखने के लिए काफी बेकरार है। आए दिन इस शो से जुड़ी कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है। हाल ही में ऐसी खबर सामने आ रही है कि नागिन के तीसरे सीजन को कलर्स पर नहीं बल्कि स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों जब इस सीरियल का टीजर सामने आया तो ये खबरें महज एक अफवाह साबित हुई और ये साफ हो गया कि नागिन का तीसरा सीजन कलर्स चैनल पर ही टेलीकास्ट किया जाएगा। जहां अभी तक इस सीरियल के कलाकारों के नामों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, वहीं हमारे हाथ एक ऐसी खबर लगी है जिसे जानने के बाद आप इस सीरियल को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। एक खबर की माने तो रोहित चौधरी सीरियल का हिस्सा बनेंगे। कल एकता कपूर की वेब सीरीज गंदी बात की घोषणा हुई है। खबर है कि इस वेब सीरीज में रोहित मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और अभी इसी के साथ ही रोहित नागिन 3 में महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि रोहित संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में भी नजर आ चुके हैं। रोहित इस फिल्म में इख्तियार के रोल में नजर आए थे। वेल, इसी तरह की और खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.